गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दी एन शाह व्लॉग्स। सो आज के व्लॉग में हम एक न्यूज़ हमारे सब्सक्राइबर्स जो है, जो हमारी फैमिली है, उनसे हम एक चीज़ शेयर करने वाले। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है तो आपको पहले ही पता होगा कि हम क्या न्यूज़ शेयर करने वाले। ऐसा कुछ है नहीं न्यूज़, अगर कोई कुछ और सोच रहे तो न्यूज़ ये है कि हमने पुणे में फ्लैट खरीद लिया है। यस, ये हमारा ड्रीम था कि पुणे में हमारी फैमिली का एक फ्लैट हो, एंड यस, हमने फाइनली पुणे में फ्लैट खरीद लिया है। बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी हमने फ्लैट ढूंढने में एंड फाइनलाइज करने में। रिक्वायरमेंट्स एक तो हमारी ऐसी थी कि हमको 3 BHK चाहिए, एंड हमारा जो बजट था, जो ब्रैकेट था, हम उसी में ही अड़े हुए थे कि हमको उसी में लेना है, हमको हमारा बजट नहीं बढ़ाना है। एंड हमको चीज़ मिली है, हमको बहुत अच्छी चीज़ मिली है। हमने जो सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमको मिला है। हम लोग सितंबर 2021 में आए थे पुणे फ्लैट ढूंढने के लिए, एंड हमने बहुत ढूंढा, हमने पूरा पुणे ढूंढ मारा, पूरा पुणे हमने पूरा हर जगह देख ली हमने, और हमको फाइनली जाके एक फ्लैट पसंद आया था। मतलब एक सोसाइटी थी, वो पसंद आई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, 3 BHK की। वो सोच के हम लोग दिवाली पे घर गए थे कि ठीक है, फैमिली वालों को दिखाएंगे सब कुछ, फ्लोर प्लान्स एंड सैम्पल फ्लैट एंड ये सब की वीडियोस दिखाएंगे, एंड फिर डिसाइड करके वापस आएंगे बुक कराने के लिए। तो हमने घर पे दिखाया, घर वालों को बहुत पसंद आया, बजट में था, एंड 3 BHK था वो, एंड बहुत सुंदर था वो, उसका फ्लोर प्लान बहुत अच्छा था। वो सोच के हम लोग वापस आए दिसंबर में कि चलो ठीक है, चलते बुक करवाते, एंड जल्दी जल्दी एक महीने में काम हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, एंड जनवरी में हम लोग जो नॉर्थ की जो ठंड है वो इन्जॉय करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे उधर नॉर्थ साइड पे, ऊपर कश्मीर वगैरह ऐसी जगह। बट हुआ कुछ अलग ही, हम लोग यहाँ आए, हम लोग पुणे में आते से दूसरे दिन ही हम लोग गए साइट पे फ्लैट बुक कराने के लिए। जाते से हमको पता लगा कि वहाँ पे सारे फ्लैट सोल्ड आउट हो गए, सिर्फ इक्का दुक्के फ्लैट थे जो बचे हुए थे, एंड वो भी ऐसे थे कि टॉप फ्लोर का था, 13th फ्लोर का जो बचा हुआ था, एंड जो हमें लेना ही नहीं था बिल्कुल भी। फिर उसके बाद हम लोग लाइक बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए थे कि लाइक ये क्या हो गया है यार, हम तो पसंद करके आए थे, घर वालों को भी बहुत पसंद था, अब तो मतलब वो तो हम ले नहीं सकते। फिर हमने ठीक है सोचा कि कोई बात नहीं, और सर्च करते, शायद भगवान ने कुछ अच्छा ही हम लोग के लिए सोच रखा हो। ऑलमोस्ट दिसंबर का एंड आ गया था, हमको एक और प्रोजेक्ट वहाँ पे पसंद आया था कि ठीक है ये सही है, ऑल दो वहाँ पे 3 BHK नहीं था, स्मार्ट 3 BHK था। इनकेस अगर किसी को पता नहीं हो कि 3 BHK और स्मार्ट 3 BHK में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता देती हूँ। वैसे तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है। 3 BHK में आपके हॉल एंड ड्राइंग रूम के साथ साथ थ्री रूम्स होते हैं एंड 3 वॉशरूम्स होते हैं। बट स्मार्ट 3 BHK में ड्राइंग रूम एंड हॉल के साथ साथ 3 रूम्स तो होते हैं, लेकिन पर वॉशरूम 3 की जगह 2 ही होते हैं। सो बस यही डिफरेंस है, एक वॉशरूम कम रहता है, दैट्स इट। तो वो प्रोजेक्ट हमें पसंद आया, एंड वहाँ पे स्मार्ट 3 BHK था, लिमिटेड फ्लैट्स थे स्मार्ट 3 BHK के, तो हमने उसमें से पसंद किया। एंड जो चीज़ हमने पसंद करी है वो सिर्फ खाली स्मार्ट 3 BHK नहीं है, वो एक्चुअली टेरेस फ्लैट है। सो ये काफ़ी अच्छी डील थी जो हमें मिली है। हम तो 3 BHK सोच के चले थे, बट हम तो सोचते थे कि लाइक अरे यार ठीक है, बैल्कनी 1 मिल जाए 2 मिल जाए कैसे भी मिल जाए, ठीक है चल रहा है। बट बहुत अच्छी चीज़ मिली कि काफ़ी बड़ा टेरेस मिला है हमको। सो जो टोटल एरिया है हमारे फ्लैट का इंक्लूडिंग टेरेस एरिया, दैट इज़ 1500 square feet, और जो हम बजट लेके चले थे वो बजट से भी काफ़ी अच्छे में वो हमको फ्लैट मिल गया है। सो हम सब बहुत खुश है। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये न्यूज़ मैं हमारी सब्सक्राइबर्स जो है, हमारी जो फैमिली यूट्यूब फैमिली, उनसे भी शेयर किया जाए। सो अभी जो बिल्डर है उसने हमको साइट पे बुलाया है, क्योंकि वो आज हमको पार्किंग अलॉट करेगा, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो देने बाकी रह गए थे, तो वो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा सैंपल फ्लैट और बाकी डिटेल जानने के लिए बने रहिए इस व्लॉग के एंड तक। ये देखिए मास्क का क्या हाल हो रखा है, इस पे क्या गिरा है, गोलगप्पे का पानी। कल रात में तुमने जब खाए गोलगप्पे 4 प्लेट, तो कुछ तो निशानी होनी चाहिए। चलो पहले मास्क दिलवाया जाए, पहले तो इनकी आधे घंटे की तो तैयारियां ही होती हैं, मास्क, बैंडेज, सैनिटाइजर, दुनियादारी, ऑफिस का काम कर रही थी मैं। तो प्लीज हाँ। चलो चलिए, ये इनकी धन्नो, ये हमारी धन्नो। इनकी तो 2 साल से स्टार्ट नहीं हुई है, जब से कोरोना लगा तब से कुछ हुआ भी नहीं हमने, राइट। और ये फिर भी कंपैरेटिवली जहाँ जहाँ बैठता हूँ वहाँ साफ है,
बाकी इसको भी अभी जरूरत है नहाने की, कराते हैं, चलो चलते हैं। So this is the entrance. और ये है हमारा ड्राइंग रूम कम हॉल, और ये एंट्रेंस है यहाँ से, थोड़ा सा एंट्रेंस यहाँ पे, साइड में आप अपना सेटअप कर सकते हो। और ये है डाइनिंग एरिया पूरा, राइट, ड्राइंग रूम और इधर पे प्लस डाइनिंग एरिया, राइट। और इधर से भी दिखा देते हैं, चलो अभी चलते हैं इस तरफ जाएंगे, इसको निकाल देते हैं, इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे रहेगा किचन एरिया। तो ये काफी स्पेशियस किचन है, हमें बहुत सारे फ्लैट दिखे थे, उसमें इतनी बड़ी किचन नहीं मिलती कहीं, तो हमें ये खाली स्लैब देंगे, ये चीज अच्छा है कि एल शेप में है, केवल स्ट्रेट नहीं है, एल शेप में आपको मिल रहा है, तो आप यूटिलिटी वाइज पूरा ऐसे अच्छे से इसको कर सकते हो, फ्रिज भी आजू बाजू उसकी अच्छी खासी स्पेस है, तो उस हिसाब से अच्छा है। और ये है ड्राई बालकनी वाला एरिया, यहाँ पे इतनी स्पेस है कि मशीन और एक एक्स्ट्रा सिंक आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी एक वॉशिंग मशीन और एक एक्स्ट्रा सिंक, वॉशिंग मशीन और एक सिंक एक्स्ट्रा वहाँ पे बन सकता है, और आप यहाँ अपना खड़ो के काम कर सकते हैं, उस हिसाब से अच्छा है, ठीक है, बढ़िया। अभी चलते हैं वापस किचन से बाहर डाइनिंग एरिया या फिर अपना ड्राइंग रूम की तरफ। अगेन ये इसका पैसेज है, इसका जो कंसेप्ट है, ये जो इन्होंने इंटीरियर को थोड़ा बनाया था, ये अच्छा लगा, इंटीरियर भी अच्छा है, राइट। ये टेलीकॉम है, टेलीकॉम, और ये भी लगा के देंगे साथ में, हाँ। ऐसे आपको अपने को लगा, पहले बालकनी दिखा देते, जो हाँ मतलब जो रेगुलर फ्लैट्स है उनमें आपको एक ही बालकनी मिलती है, जैसे कि यहाँ पे ये है, टेरेस मिलेगी पूरी, बट ये भी काफी अच्छी है उस हिसाब से, हाँ, ये भी काफी अराउंड 8x7 की टेरेस है, और आपको ये टफ एंड ग्लास ही मिलेगा, ये चीज भी अच्छी है, रेलिंग नहीं है लोहे की, हाँ। टफ एंड ग्लास, और ये है, और इस तरफ की तरफ भी एक ग्रेनाइट मिलेगा लगा हुआ, ग्रेनाइट मिलेगा, हाँ, ये मिलेगा, ये मिलेगा ना, हाँ राइट, ये भी आपको मिलेगा, तो ये अच्छा है, और इधर आपका दूसरा फ्लैट रहेगा फिर, तो ये ऐसा कुछ है इसका बालकनी एरिया, ये भी अच्छी है, और वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे मिलेगी, एंटी स्किड वाली जो रहती है, यही आपको फ्लोरिंग भी मिलेगी, और बाकी हाँ पूरे फ्लैट में भी ऐसे ही रहेगा, 2x2 की फ्लोरिंग, जो हमारा टेरेस है उसमें पूरी ये वाली टाइल्स जो right. रहेगी पूरी टेरेस में, और तो चलिए अब बेडरूम की तरफ चलते हैं, चलिए ये है बाकी के रूम्स की तरफ का रास्ता, ये जो सिंक है बाहर, ऐसे यही फिटिंग्स रहने वाली है, सिंक फिटिंग्स, और ऐसा ही लेआउट रहने वाला है, ये नीचे नहीं मिलेगा कांच का, बट एरिया रहेगा, तो हम यहाँ पे ऐसे एरिया रहेगा, हाँ अपना स्टोरेज एरिया भी रहेगा, और ये काफी अच्छा है, ये सेपरेट यहाँ पे एरिया, मतलब वॉश बेसिन बाहर एक दे रखा है, राइट राइट। ये है किड्स बेडरूम, तो ये है किड्स बेडरूम, ये सबसे छोटा है इन तीनों में से, हाँ बट सफिशिएंट है, अच्छा किड्स के लिए, बच्चों के लिए काफी सफिशिएंट है, आप देख सकते हो कि स्पेस वाइज काफी अच्छा है, ये कबर्ड्स के लिए ऐसे यहाँ पे नीश रहेगा, हाँ हाँ, ये आप देखोगे कि कबर्ड अंदर ही है, ये बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, ये आप नीचे से देखो तो इतना स्पेस करीब 2 फुट का है, 1.5-2 फुट का आपको अंदर स्पेस मिलेगा, तो ये नीश बन के है कि आप कबर्ड इसके अंदर ही बना दीजिए, तो वो एक रूम स्पेस काफी अच्छी बच जाती है, वरना क्या होता है कि आपकी जो वार्डरोब है वो बहुत जगह घेर लेती है, 1.5 फुट का और जगह घेर लेता है, तो ये वाला कमरा सबसे छोटा, और अगर ये नहीं होता ना तो फिर और छोटा हो जाता है, राइट, और वेंटिलेशन के लिए विंडो भी काफी अच्छी तरीके से क्रॉस क्लियर है, कि हमारे तीनों कमरों से जो टेरेस का एक्सेस रहेगा, हॉल से भी रहेगा, ड्राइंग रूम से भी रहेगा, तीनों कमरों से भी रहेगा, राइट, तो यहाँ से तो कोई बालकनी वगैरह नहीं है, सिर्फ एक विंडो है, हमारे केस में तो ये एक तरीके से गेट सॉर्ट ऑफ ही रहेगा फॉर टेरेस के एक्सेस के लिए, राइट। अभी चलते हैं सामने की तरफ, जो कि कॉमन वॉशरूम है, स्मार्ट बीएचके में जैसे कि दीक्षा ने बताया था कि यहाँ पे तीन कमरे और वॉशरूम दो इस तरफ दो कमरों के लिए एक कॉमन वॉशरूम है, तो ये वॉशरूम है, यही सब फिटिंग्स ये लोग देने वाले, मतलब यही टाइल्स देने वाले, यानी अच्छी टाइल्स है, मुझे कुछ टेक्सचर वाली टाइल्स, टेक्सचर वाली, राइट, ये नॉर्मल जो टाइल्स होती वैसी नहीं है, फ्लोरिंग भी ऐसे रहने वाला है, एंड ये बाकी चीजें जैगुआर की फिटिंग्स है, सॉरी, और ये रूफ में भी ऐसे ही रहने वाला है लाइट का ना, नहीं यही नहीं रहेगा, पर ये हम करवा सकते हैं, ओके ऐसा, ओके, बाकी पर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि ये इन्होंने ऐसा दे रखा है सो दैट यहाँ पे चीजें रखने के लिए एक अच्छा जगह बन जाती है, बाकी गेट्स वगैरह सब जगह के ऐसे ही रहने वाले हैं,
तो वो सही है। अब चलते हैं हम पेरेंट्स बेडरूम में। ओके नाइस। ये मुझे अच्छा लगा। जनरली क्या होता है 3 BHK में दो रूम छोटे कर देते हैं, तीसरा बेडरूम भी बड़ा रखते हैं, बट यहाँ पे दो रूम बेडरूम बड़े हैं। राइट। तो ये सेकंड नंबर का बेडरूम है जो बड़ा है एंड काफी अच्छा है साइज। सेम इसमें भी वही कंसेप्ट है, एक वेंटिलेशन के लिए विंडो और अगेन वार्डरोब के लिए भी यहाँ पे नीच दे रखा है। हाँ, तो ये सबसे बेस्ट चीज है कि आप तीनों कमरों में ही, इनफैक्ट तीनों कमरों में ही सेम चीज है कि वार्डरोब के लिए नीच है। तो आप ये देखो ये दीवार, अच्छा यहाँ पे ये दीवार है ऐसे और इसके अंदर ही नीच है, तो आपकी जो वार्डरोब की जगह है वो कमरा नहीं लेता है। आपको जो आपका साइज है, जैसे इसका शायद 11x10 का साइज है, तो आपको पूरा यूटिलाइजेशन के लिए मिलता है स्पेस, तो वो बहुत अच्छी चीज है। आप ये देखिए दोनों तरफ कितनी ज्यादा स्पेस खाली है। तो ये बेड आई गेस मेरे ख्याल से किंग साइज ही है चौड़ाई में, तो चौड़ाई में मुझे लंबाई में थोड़ा कम है। हाँ, तो अगर यहाँ तक भी आता है राइट तो भी बहुत जगह है। ये देखिए आप ये 4 फिट का ये ऐसे है तो बहुत अच्छा है। इनकी तरह हम ऐसे तो टेबल देने वाले नहीं है। वो तो खैर अपना अपने इंटीरियर अच्छे से होगा। अच्छा मतलब मुझे काफी, देखो आप दूर से देखो ये रिक्शा खड़ी है कमरे में और कितना सारा स्पेस है। ये हमारा पेरेंट्स रूम है, मास्टर भी नहीं है, तो कितना ज्यादा इसमें स्पेस है। आरसी में रहेगी हमारी भी एक्सेस टेरेस को। राइट तो आप चलते हैं मास्टर बेडरूम। ये है मास्टर बेडरूम, ये सबसे बड़ा बेडरूम है फ्लैट का एंड काफी अच्छा लगा मुझे। वुडन फ्लोरिंग के साथ, इसमें वुडन फ्लोरिंग है सेम, इसमें भी भाई हमको ये काफी बड़ी वॉल है और विद नीश मिलेगी है, तो कवर यहाँ पे काफी अच्छा बड़ा आ सकता है। और एक चीज और यहाँ पे अच्छी है कि ये एल शेप में यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो है, तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि इन केस अगर जो रेगुलर फ्लैट्स हैं जिनका ऊपर है वो लोग यहाँ पे एक सिटिंग एरिया भी आराम से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, तो वो एक काफी अच्छी चीज हो जाती है। हमारे केस में ये नहीं होगा क्योंकि हमारे केस में ये डायरेक्टली एक कांच वाला वो गेट सॉर्ट ऑफ योर विंडो रहेगा ओपन होने वाला, तो जो डायरेक्ट हम टेरेस पे जा सकेंगे। वो तो हम आगे दिखाएंगे आपको फ्यूचर में जब जैसे मॉडलाइज होगा वो चीजें। हमारा फ्लैट की वही थोड़ा तो आपको, हाँ, वो आपको। और ये बाकी ऐसे रूम है आप देखिए, और सामने इसकी तरफ सेकंड वॉशरूम अटैच्ड जो है वो भी दिखाते हैं। रूम के साथ में अटैच्ड सेकंड वॉशरूम है। अंदर आके गेट बंद करके दिखा दो। ये है सेकंड वॉशरूम और इस तरफ इसमें ये प्लेटफॉर्म वाला प्लेटफॉर्म सिंक मिलता है आपको प्रॉपर पूरा, और यही सिंक मिलेगा, यही फिटिंग्स मिलेगी इसमें, और जो कांच नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, और नीचे स्टोरेज नहीं मिलेगा बट एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा हम बना सकते हैं। एंड ये टाइल्स भी ये लोग हमको यही दे रहे हैं। हां ये भी अच्छी लग रही है। राइट, फिटिंग्स वगैरह ये रहने वाली है। स्पेस यहां पे सामान रखने के लिए काफी है, काफी तो ये अच्छा है। और ये शावर एरिया ये भी काफी अच्छा है वेंटिलेशन के साथ, आप वहां पे एग्जॉस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया स्मार्ट 3 BHK का सैंपल फ्लैट, तो बेसिकली तो ऐसे ही रहने वाला है, बट हमारा वाला जो फ्लैट है वो थोड़ा सा अलग होगा। अलग क्या रहेगा हमारे में, जो बैल्कनी है वो नहीं रहेगी, टेरेस रहेगी, जिसका एक्सेस जो है सारे कमरे और पूरे हॉल ड्राइंग रूम सब जगह से रहेगा। थोड़ा बहुत यही चेंजेस है, अभी हमारा फ्लैट बना नहीं है, बनेगा टाइम है, बट हम फ्यूचर अगर कोशिश करेंगे आपको आने वाले व्लॉग्स में वो सैंपल फ्लैट भी दिखा दे। हाँ। लेकिन ज्यादा बेटर तो ये होगा जब हमको फ्लैट मिल जाए, उसका इंटीरियर हो जाए, तभी हम दिखाए, क्योंकि चीज तो तभी अच्छी लगेगी जब बन के तैयार होएगी एंड दिखेगी तब। तो ये है हमारा फ्लैट, सो बाकी की डिटेल्स सुशांत देंगे। मैं तो आपको एक शॉर्ट सी दिखाऊंगा कि एक बार हम यहाँ से एंट्री से अंदर की तरफ आए थे, एक बार अंदर की तरफ, बाहर से भी आपको मैं एक शॉर्ट दिखा देता हूँ। चलिए ये छोटी सी गैलरी रूम्स की तरफ, ये पेरेंट्स रूम अगेन, ये चिल्ड्रंस रूम, ये कॉमन वॉशरूम, वो मास्टर बेडरूम, और ये है ड्राइंग रूम एंड प्लस डाइनिंग एरिया। बालकनी, हमारे टेरेस का एरिया भी इधर से ही होगा बट वो काफी बड़ी होगी। हम लोग को लेट हो गया था आते आते, शाम हो गई थी, रात हो गई थी इनफैक्ट, तो हम लोग थक भी गए थे क्योंकि जहाँ पे अभी हम रहते हैं और यहाँ से वो हमारा जो सोसाइटी का लोकेशन है वो करीब 20 किलोमीटर के दूर है, तो इसलिए फिर ये एंडिंग पार्ट में आज अगले दिन बना रहा हूँ। तो एंड में बस मैं आपसे यही कुछ और बेसिक जो थोड़ी सी डिटेल्स है वो शेयर करना चाहूँगा कि मेन हमको इस सोसाइटी का एक और प्लस पॉइंट लगा था कि ये बहुत ही वेल वेंटिलेटेड सोसाइटी है,
इसका जो शेप है और हर बिल्डिंग के बीच में गैप है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें है ये कि कोई भी फ्लैट एक दूसरे के साथ कोई वॉल शेयर नहीं करता है, तो वो मुझे एक बहुत प्लस पॉइंट लगा था। क्योंकि जनरली यहाँ पे फ्लैट्स क्या होते हैं ना पुणे में, ऐसे एक सीक्वेंस में बनते हैं, तो क्या कि हर आपके एक रूम की या वॉल कोई ना कोई शेयर कर रही होती है नेबरिंग फ्लैट से, तो वो कंसेप्ट मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे नहीं है वो चीज़। और जो आपके रूम से जो विंडो का व्यू है वहाँ पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बेसिकली जो स्मार्ट 3 BHK थे ये तो आउटवर्ड साइड पे है इनका व्यू, तो ये भी एक प्राइवेसी के तौर पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि आपके जो कोई भी रूम के विंडोज, ड्राइंग रूम की विंडो से भी कोई बाहर किसी और फ्लैट का व्यू नहीं है। और अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, काफ़ी अच्छा था बिल्डर के साथ भी। बिल्डर भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, एक्सेप्ट वन डे, एक दिन थोड़ा सा कुछ हुआ था, वो मैं आगे कभी डिस्कस करके बता दूंगा आप लोग को क्या था। बट ऑल एंड ऑल अभी तक का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, मतलब 3-4 महीने हम लोगों ने ऐसे खूब अच्छे से घिसा है घर ढूंढने में, हम लोगों की हालत भी ख़राब हो गई थी। लेकिन ये है कि हाँ, मतलब लगता ही है घर खरीदना है, और आपको अगर अच्छा घर खरीदना है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। और हम लोग को अब यह है कि हम लोग को पूरे पुणे का ना चप्पा चप्पा समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या सीन है, क्या रेट है, क्या बजट है, किस बजट में क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, वो हमको काफ़ी अच्छे से अब समझ में आ चुका है। तो इनकेस अगर आपको भी किसी को कुछ रिक्वायरमेंट हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो मैं आपको जितना मेरे को अभी तक एक्सपीरियंस से पता चला है मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप आप लोग को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे, या फिर अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही बढ़िया अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर ये व्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।